नाम अरविंद यादव रहने वाला खरीद और इस सफर की शुरुआत किया था बहुत ही एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से। बिजनेस मिला, उन्होंने सपना दिखाया था इस बिजनेस में काम करके डायमंड बनने का और शुरू से ही बात की फितरत रही है। जो भी पढ़ाई से लेकर अभी तक की बात शुरू से ही बात की फितरत रही है। अगर कोई चीज इस दुनिया के अंदर कोई शख्स अगर अचीव कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। रही बात बिजनेस में काम करने की, काम किया गया डायमंड बने, बात है कोहिनूर अवार्ड की, तो मां गुरु जी ने एक बात बोला है कि जब बड़े भाई की शादी होती है छोटा भाई धूमधाम से नाचता है। आखिर ना तो इधर बड़े भाई की शादी हो गई, महागुरु जी ने अचीव किया है, कोहिनूर अवार्ड अचीव किया है। साला वादा है हमेशा ताकत बन के रहूं, आज भी ताकत बन के रहूंगा और कमिटमेंट है इस बार की क्लोजिंग में साला 7 लाख टीचर बना के दिखाएंगे। पूरा दम लगाया, नहीं
लेकिन जैसे ही दिशा में गया, सब से मंत्र लिया, सब ने गाइड किया, टोटल में रिटेल में एक हफ्ते ही काम किया, मैंने 1,00,000 का चेक बनाया। मोटिवेट नहीं किया और मैं सर से वादा करता हूं कभी भी सर से ये नहीं पूछा कि राजू जी कहां है। अगर एक बार पूछते कि राजू जी कहां है तो मैं घर में हूं, और दूसरा बार पूछते राजू जी कहां है मैं फील्ड में हूं सर, और मैं जाकर सिलीगुड़ी में फूटा गाड़ दिया हूं। और मेरा वादा है कि सर से 30 बार मैं बोलूंगा नहीं, घर में दिखाऊंगा, रिटेल में 5,00,000 का चेक को लेके इस मंच पर आऊंगा। मेरा वादा, मेरा वादा है। और मैं किसी के भरोसे नहीं जाता, हमारे पास एक महीने के अंदर रिजेक्ट किया।
पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस मीटिंग के लिए। सेकंड, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरु को, श्री बलवंत सर को दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि सर से प्लानिंग हुई थी, रिटेल की बात चल रही थी, सर से प्लानिंग हुई थी रिटेल पे कैसे काम करना है, उस प्लानिंग के मुताबिक काम हुआ है। डायमंड बनने की बात थी, किसी हॉल के अंदर डायमंड बना था, एक सपना था डायमंड बनने से पहले 2 लाख रुपए की कैपिंग लेना, वो नसीब ना हो सका। लेकिन रिटेल क्या जाने से सर को मैंने आगरा में कमिटमेंट किया था, एक मीटिंग हुई थी, सर मैं अपने लेवल पर 100 गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा, जो प्रोग्राम होगा उसमें सर 100 तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जिस लेग से मैं काम कर रहा हूं 80 गोल्ड मेडल आज सम्मानित हुए हैं सर। पूरे नेटवर्क से 165 गोल्ड मेडल डायमंड लेवल पे सम्मानित हुए आज इस मंच पे। थैंक यू। वादा पूरा नहीं हो पा रहा था कैपिंग का, लेकिन आज बताते हुए खुशी होती है, इन अप्लाइन और गुरुओं को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कैपिंग की बात चलती है इसी रिटेल के अंदर, रिटेल लीडर का चेक इस बार का मेरा 1,98,320 रुपए का था, फाइनल चेक मिला के कैपिंग क्रॉस कर दिया हूं, कैपिंग क्रॉस कर दिया हूं। और बात साफ तक की चल रही है, जब मेंटर शेर है, जब गुरु शेर है, डाउन लाइन भेड़िया हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वंशज जब इतना दमदार है तो डाउन लाइन भी दमदार होगा, कोई लू तो आके रहेगा, और ज्यादा समय नहीं है, 2 अक्टूबर को आएगा, 2 लाख की कैपिंग बाइनरी और 5 लाख का रिटेल की कैपिंग आगे रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हेमंत चौधरी का वादा है आप सभी से, टीम यहाँ पे बैठी हुई है, कम लगा देंगे, कुछ भी करना पड़े करेंगे, करने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है। मैं आपके साथ हूँ दिन रात, एक साथ की कैपिंग आगे रहेगी, आगे रहेगी, आगे रहेगी, आगे रहेगी। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, बात कोहिनूर अवार्ड की है। रिटेल में बहुत ज्यादा पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सर लोग कई बार समझाए तो लास्ट टाइम में समझ में आया, और 36 घंटा में 36 घंटे के अंदर पहले बात समझ में आ गई थी, और 36 घंटे में 85,000 आरबीबी। जब मुझे नहीं समझ में आया था तो मेरी टीम को भी नहीं समझ में आया था, वो भी आधे समझ में आया तो 1 मिनट में समझ में आ गया सबको, और मेरी टीम अब समझ चुकी है और मैं भी समझ चुका हूं कि 1 लाख पहले जीबीबी में कमाने के लिए कितना वर्क किए, और आरबीबी में 1 लाख पार करने में 36 घंटे लगा। और दमदार टीम है, और सर आपसे आज कमिटमेंट कर रहा हूं, मिशन कोहिनूर है तो 2 अक्टूबर नहीं जाएगा, और अपनी टीम में 25 सितंबर तक एक लेफ्ट एक राइट दो कोहिनूर विजेता आएंगे। उसके पहले पूरा फोकस ग्रुप बिजनेस वैल्यू पे था,
पूरा फोकस हम उस पर लगा के रखे थे। टारगेट की धुआं उड़ाना, इस बार टारगेट में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाए, ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन महागुरु जी ने बताया रिटेल, और रिटेल को थोड़ा सा समझा हमने, समझ के काम किया। गुरु जी जितना आपने बताया था, आपने सर से मैंने वादा किया था, सर ने मेरे को बताया था कि श्री जी आपको 50,000 करना है आदमी भी, तो गुरु जी मैं बताऊंगा अभी जो आपने कमिटमेंट किया था 36 घंटे में, तो 55,500 आरपीपी कंप्लीट हुई थी। 55,500 आरपीपी कंप्लीट हुई गुरु जी। महागुरु जी मैं आपसे वादा करता हूं, इस बार कोहिनूर अवार्ड इधर ही आएगा कोहिनूर अवार्ड का आएगा। और थैंक यू महागुरु जी, 300 लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, मैंने पीछे वादा करके गया था 50 गोल्ड मेडल मेरे आएंगे, 50 नहीं 52 गोल्ड मेडल आए थे। अभी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 300 लोग बैठे हैं टीम से, 300 के 300 यहां पे गोल्ड मेडल भी देते आएंगे, 300 के 300 गोल्ड मेडल। थैंक यू माहौल तो एकदम पूरा गर्म है, जो खिलाड़ी ढीला भी होगा तो वार्म अप तो मिल गया होगा। दोस्त खेल नया, अभी 4 महीने की खेल है, 4 महीना खेल है, टेक्निक इसकी धीरे धीरे पकड़ में आ रही है, और खिलाड़ी धीरे धीरे पकड़ता है, एक बार उछलेगा तो गिर नहीं सकता है। तो दोस्त खिलाड़ी हूँ इस खेल का, इससे पहले दूसरे खेल का था, फोर्थ का मैं खिलाड़ी था, वहां भी नेशनल खेला, गोल्ड मेडल जीता, यहाँ भी शुरुआत हो गई है। और हमारे टीम से 600 बबर से बैठे हैं दोस्त, 600 बबर से, और शहर का कोई आकार नहीं होता, 600 बबर से 1,25,000 पर भारी पड़ेंगे, 1,25,000। आपने सामने टारगेट रख दिया है कोहिनूर रिवार्ड का, तो मेरे टीम से 4-4 कोहिनूर रिवार्ड पाएंगे सर, 4-4 की टारगेट। दोस्तों नमस्कार, लगातार कोहिनूर अवार्ड की बात हो रही है, अभी तक मुझे ऐसा लगता है मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, ये आज से अभी तक का रहा मेरा रिकॉर्ड, मैं किसी से कमजोर नहीं मानता हूं। सर थोड़ा आ जाइएगा, सर को ही देख करके ज्वाइन किया था मैं, और साथ में ड्यूटी करते थे, मेरे नजर में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि अगर ये कर सकते हैं तो इनसे बढ़िया करके दिखाएंगे, ये अभी तक जब्बा लगातार है, और टीम वर्क में रहा लगातार, वहां भी लगातार मेडल लिया था, चाहे वो गेम का हो और चाहे समाज का हो। लेकिन अगर यहाँ सैफ साहब की बात की जाती है तो यहाँ भी अकेले तो डायमंड कोहिनूर अवार्ड कोई भी ले सकता है, और दोस्तों कमेंटमेंट है सर लोगों से कि अकेले तो जीतूंगा लेकिन साथ में मेरे 4 और कोहिनूर अवार्ड जीतेंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू, जय हिंद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं अपने सारे ग्रेट अपनायों को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों अभी हमारे सारे सर लोग बोल रहे थे, अब पता नहीं आप लोगों को लग रही थी कि नहीं, लेकिन एक बात मुझे लगी, सर बताए थे, आज देखिए मैं बता रहा हूँ, जो भी हूँ मैं अभी इस टारगेट को जीता नहीं हूँ, मैं अकेला डायमंड हूँ कि जो कि मैं जीता नहीं हूँ, लेकिन इस व्यवसाय में बताया जाता है कि कभी किसी की हार नहीं होती है, या तो मैं जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। दोस्तों मैं हारा नहीं हूँ, सीखा हूँ। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से, उदयराज सिंह यदि इस पृथ्वी पर जीता है तो यह सूरज मेरा।
के सभी ग्रेट अप्लायंस को मैं नमन करता हूं। और ये इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतने छोटे लेवल से हम लोग यहां तक निकल के आए हैं, हमारे सभी ग्रेट अप्लायंस, मैं चाहूंगा हमारे सभी ग्रेट अप्लायंस के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए। माहौल में जिसका खून नहीं खोला, हमें तो ऐसा लग रहा है कि साला मैं यहीं खड़े रहूंगा, पूरा हाथ पार हो जाएगा, साला ब्रह्मांड लेवल दिख जाएगा, आसमान दिख जाएगा, साला आसमान दिख जाएगा। इस तरह के माहौल में इतने बड़े ग्रेट मेंटर, जो एक आम आदमी को जो कुछ भी नहीं सोच सकता है उसके जिंदगी में इस तरह का माहौल, इस तरह का कोहिनूर एक जीरो को हीरो बना देते हैं, ऐसे जाबाज, ऐसे क्रांतिकारी मेंटर हमारे बीच में है। इसके बावजूद भी अगर हम नहीं बदले, इसके बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर कब होगा? ऐसा वक्त फिर हमें नहीं लगता कि दुनिया में कभी आएगा, क्योंकि ये बहुत सुनहरा वक्त चल रहा है। और रही बात, मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं और क्रांति मेरे अंदर शुरू से ही है, लेकिन वो क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है। जिस क्रांति को लेकर के मैं चला था, जिस क्रांति को लेकर के मैंने आजाद टाइगर टीम का गठन किया था, वो क्रांति अभी उसका बीज, सर ने बोला है जिसने बीज बो दिया है उसका फलदान वृक्ष तो आएगा। तो आज के 6.5 साल पहले आजाद टाइगर टीम की जो बीज बोया गया था सर, आज वो बीज फलदार वृक्ष बनने की ओर मुड़ चुका है। और सर ने जो मुकाम हासिल किया है, सर ने जो रास्ता दिखाया है, इस रास्ते पर ये मेरा वादा है, क्योंकि आजाद टाइगर टीम रॉयल ड्रीमर्स टीम में कभी भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। रॉयल ड्रीमर्स टीम में एक एट की तरह हमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और ये वादा है सर कि रॉयल ड्रीमर्स टीम में इस बार या हमेशा से इतिहास बनाया है, ये वादा है मेरा। आजाद टाइगर टीम यहाँ पे बैठी हुई है, कहाँ आजाद टाइगर टीम? Yeah.
और मैं वादा है हम सारे कोयलों लेके आएंगे और ठीक कोयलों लेके आएंगे। जय हल्के में